दोस्तों चलिए आज हम इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास कुछ एक एक्सेल का डेटा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक्टिव और इनएक्टिव के हिसाब से फिल्ट्रेशन लगाते हैं, जिसमें कि काउंट एनालिसिस इस काम करते हैं कि एक्टिव यदि हमारे पास है तो एक्टिव के अंदर कितने कॉल बैक हैं, कितने फॉलोअप हैं, एक्टिव के अंदर कितनी मीटिंग असाइंड हैं और एक्टिव के अंदर कितने नॉट इंटरेस्टेड हैं, एक्टिव के अंदर कितने रॉन्ग हैं एंड एक्टिव के अंदर कितने, मतलब मीन टू से हम एक एनालिसिस बना के बताएंगे कि सपोज़ हमारे पास एक्टिव के अंदर फिल्ट्रेशन में कॉल बैक और फॉलोअप कंटिन्यूसली ना है तो उनके काउंट कितने हैं। तो काउंट के लिए हम एक फार्मूला आपको यूज़ करके बताएंगे कि काउंट एफएस में काउंट आईएफएस किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए जैसे हमने इस शीट के अंदर एक्टिव देखेंगे कि एक्टिव और इनएक्टिव के हिसाब से, यानी एक्टिव यदि हम करते हैं तो एक्टिव में कितने हमारे फंक्शंस ऐसे बनेंगे, उनके काउंट कितने होंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट आई एफ एस। काउंट आई एफ एस को किस तरीके से यूज़ करते हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा कि हमारा टोटल डेटा काउंट यहाँ पर डिटेल करने में, डिटेल एनालिसिस करने में, किसी भी कंपनी में जो एनालिसिस होता है वो एनालिसिस करने के लिए हम फिल्ट्रेशन यानी काउंट आई एफ एस मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हमने क्या किया है, काउंट एनालिसिस में हमने कुछ एक मेथड्स बनाए हैं कि एक्टिव के अंदर हमारे कितने तरीके के फंक्शंस होंगे, इनएक्टिव में हमारे कितने तरीके के फंक्शंस होंगे उनका काउंट कितना होगा, इनएक्टिव ऑडिट में हमारे कितने तरीके के फंक्शंस होंगे उनमें कितना काउंट होगा, ऐसे ही इनएक्टिव पेंडिंग में कितना काउंट होगा, रिएक्टिव में जो हमारे फंक्शंस बन रहे हैं उनमें कितना काउंट होगा, रिजेक्ट में कितने फंक्शंस बन रहे हैं उनका काउंट कितना होगा, रिजेक्ट ऑडिट में जितने फंक्शंस बन रहे हैं उनका काउंट कितना होगा, रिजेक्ट पेंडिंग में जितने फंक्शंस बन रहे हैं उनका काउंट कितना होगा, ऐसे ही वॉन में हमारा कितना है। तो चलिए दोस्तों अब दिखाता हूँ मैं आपको कॉल बैक फॉलोअप में हम आई एफ एस फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे टोटल ये जो रो हैं, टोटल जो हमारे एक्टिव केसेस हैं, ये फिल्ट्रेशन हम हटा देते हैं तो अब देखेंगे हमारे टोटल जो काउंट आ रहे हैं वो 1284 यानी 1284 आ रहे हैं। तो हमने जब यहाँ पे एक्टिव में फिल्ट्रेशन फार्मूला लगाया तो एक्टिव के अंदर जब हमने एक्टिव सर्च किया, एक्टिव के अंदर जो हमारे ये मेंशन काउंट आ रहे हैं तो इसके लिए काउंट के नंबर ऑफ काउंट्स हमें यानी कॉल बैक एंड फॉलोअप हमारे कितने नंबर्स हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हमने जो इस पे एक्टिव के अंदर फार्मूला लगाया इक्वल्स टू काउंट आईएफएस देन क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या होगा, क्राइटेरिया रेंज होगा हमारा डेटाबेस के अंदर जितना भी हमारे एक्टिव केसेस हैं यानी जितनी हमारी सेल्स है। देखिए काउंट पहले मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ, देन फिल्टर हटाने के बाद हम क्या करते हैं इक्वल्स टू काउंट आईएफएस देन क्राइटेरिया रेंज, मतलब डेटाबेस के अंदर हमारा ये एक्टिव का जितना भी हमारा काउंट है मीन टू से एक्टिव वाली रो या इनएक्टिव रो जो भी हमारी रो है इस एरे को हम सेलेक्ट करेंगे एरे को हमने सेलेक्ट कर लिया देन काउंट एनालिसिस पे जाएंगे यानी D2:D1284 लेकिन एक काउंट एनालिसिस नहीं है, ये हमारी जो रो है ये है डेटा बेस की रो राइट देन उसके बाद कॉमा फिर हमने क्या क्राइटेरिया लगाया क्राइटेरिया लगाया कि एक्टिव यानी काउंट एनालिसिस का जो एक्टिव ऑप्शन है एक्टिव ऑप्शन देखेगा ये एक्टिव ऑप्शन में क्या देखेगा कॉमा फिर हमने क्राइटेरिया लगाया डेटाबेस के जो ये वाला रो है डेटाबेस के इस पूरे रो के एरे को हम सेलेक्ट करेंगे। आप ऊपर देख भी रहे होंगे फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है काउंट आई एफ एस ब्रैकेट स्टार्ट एनकोर्स डेटाबेस के D2 सेल से लेके और D2:1284 सेल तक ये देखेगा देन उसके बाद अभी देखिए ये हमने क्राइटेरिया रेंज लगा दिया। यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा काउंट एनालिसिस की जगह हम ये देख रहा है डेटा
बेस, राइट, वहाँ पर ये चेक करेगा कि जो क्राइटेरिया है डबल कोट्स में ब्रैकेट क्लोज, ये क्राइटेरिया क्या देखेगा, कॉल बैक फॉलो अप, यानी यहाँ पर देखेगा ये कॉल बैक फॉलो अप, ये कितने आ गए अब हमारे 14, राइट। अब हम सेम इसी फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, लेकिन पेस्ट में हम यहाँ देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली नो रेस्पॉन्स आ रहा है, तो क्योंकि हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर पेस्ट किया था लेकिन कंटिन्यूसली नो रेस्पॉन्स चेक करना है, तो सेम क्या करेगा ये, हम कॉल बैक फॉलो अप की जगह कंटिन्यूसली नो रेस्पॉन्स कर देंगे, तो वहाँ पर ये क्राइटेरिया इसने चेक कर लिया कि ये जो क्राइटेरिया है ये टोटल 8 आया हुआ। अब हम इसको काउंट चेक करने के लिए इसको इग्नोर एरर करेंगे, यहाँ पर अब हम चेक करके देखेंगे मैनुअली कि ये जो 8 काउंट आ रहा है, कॉल बैक फॉलो अप 14 आ रहे हैं, डेटाबेस के अंदर एक्टिव को फिल्ट्रेशन करते हैं, एक्टिव सेलेक्ट करते हैं, देन एक्टिव के बाद हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉल बैक फॉलो अप देखते हैं, ये कितने आ रहे हैं हमारे टोटल। अब हम देखिए चेक कैसे करते हैं, हमने इसको कॉपी किया देन कोई भी एक शीट ओपन करी, इसको पेस्ट किया। अब हम क्या देखेंगे कि इनको थोड़ा सा हम मैनेज करके शिफ्ट कर लेते हैं जिससे सेल्स में, अब देखिए टोटल काउंट आ रहा है 14, अब यहाँ पर हमारा टोटल काउंट कितना आ रहा था 14, दैट मीन्स कि जो हमने काउंट IFS डेटाबेस का फार्मूला लगाया, वो फार्मूला लगाने पर यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि काउंट आई एफ एस में लिया इसने डेटाबेस, यानी ये वाला डेटाबेस हमारा डेटाबेस के कौन से रो से, D2 रो से लेके D1284 सेल तक, ये क्राइटेरिया हो गया। देन एक क्राइटेरिया हम क्या लगा रहे हैं कि काउंट एनालिसिस मतलब काउंट एनालिसिस के अंदर जो हमारा B1 सेल यानी एक्टिव, इसको ले, यानी इस तरीके के क्राइटेरिया को ले जहाँ पर डेटाबेस के अंदर E2 सेल से लेके E1284 तक जहाँ पर भी उसको कॉल बैक फॉलो अप मिले वहाँ का वो काउंट करके बता दे। आया दोस्तों समझ में? ऐसे ही हम देखे ETE मीटिंग का निकालेंगे, सेम हम फॉर्मूला कॉपी करते हैं, देन यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या ई मीटिंग, देन हम क्या करते हैं कॉन्टिन्यूसली नो रेस्पॉन्स, इसकी जगह हम ई मीटिंग प्रेस कर देंगे, तो ई मीटिंग हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पर। अब हम इसको भी चेक करके देखते हैं, ई मीटिंग हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं, राइट, तो इसलिए उसने वहाँ पर काउंट एनालिसिस में 0 मेंशन करके दिया। ऐसे ही मीटिंग असाइन, अब देखिए मैं सेम फार्मूला कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर से मीटिंग असाइन चेंज कर देता हूँ। अब देखिए 104 आ रहा है। अब मैं आपको इसको भी टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये 104 आ रहा है तो ये क्या सही है। देखिए मीटिंग असाइन, देखिए अब हम क्या करेंगे डेटा कॉपी कर लेंगे, देन शीट में पेस्ट कर देंगे। अब देखिए टोटल हमारे रो के काउंट कितने आ रहे हैं 104, और काउंट एनालिसिस में कितना आ रहा था मीटिंग असाइन 104। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, नोट इंटरेस्टेड वहां पर है ही नहीं। पैच आउट में हम क्या करते हैं, दोबारा से आपको ये भी करके दिखाता हूँ, पैच आउट आपने फार्मूला एक बार बना दिया, दैट मीन्स कि आपका एक फार्मूला बनाने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो काउंट करेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर भी मैं यदि फार्मूला लगाता हूँ नॉट इंटरेस्टेड, देखिए 0 आ रहा है, रीचेंट एक्टिव इनएक्टिव भी वहाँ पर है नहीं। रिंगिंग में मैं आपको फिर बताता हूँ, रिंगिंग में देखिए रिंगिंग में कितना आ रहा है, रिंगिंग के काउंट कितने आ रहे हैं, रिंगिंग के काउंट 6 आ रहे हैं।
अब ऐसे ही सेम हम इनएक्टिव में देखते हैं, इनएक्टिव में लो बजट कितना आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए कि मैंने फार्मूला वहाँ से कॉपी पेस्ट क्यों किया। कॉपी पेस्ट इसलिए किया कि सिर्फ और सिर्फ मैं वहाँ पर ये B1 की जगह B12 करूँगा, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ कि काउंट टाइप का फार्मूला लगाने में डेटाबेस के D2 सेल से लेके D1284 तक ये क्राइटेरिया बनाऊँ, फिर काउंट एनालिसिस करूँ कि जहाँ पर इनएक्टिव लिखा हुआ है, इनएक्टिव के अंदर डेटाबेस की E2 रो से E1284 सेल तक जहाँ पर भी लो बजट दिखाई दे उसको, लो बजट दिखाई दे वो काउंट करके बताए। इसने काउंट करके बताया 41। ऐसी सेम हम यहाँ पर देखते हैं नॉट इंटरेस्टेड का, नॉट इंटरेस्टेड हमारे कितने काउंट रहेंगे, 349। अब हम देखते हैं कि ये जो 349 फॉर 41 आ रहा है, क्या ये सही है। देखिए कैसे हम चेक करेंगे, डेटाबेस के अंदर जाएंगे, डेटाबेस के अंदर हम इनएक्टिव सेलेक्ट करेंगे फिल्ट्रेशन में। इनएक्टिव सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, नॉट इंटरेस्टेड, ओके। देन अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे नॉट इंटरेस्टेड हैं उन सबको कॉपी कर लेंगे, देन एक न्यू शीट के अंदर पेस्ट कर देंगे। न्यू शीट के अंदर पेस्ट करने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा जो काउंट आ रहा है वो काउंट कितना आ रहा है, 349, और यहाँ पर हमारा काउंट कितना आ रहा है, 349। दैट मीन्स कि जो इसने फॉर्मूला का एनालिसिस करके बताया काउंट IFS का, वो एकदम करेक्ट है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर रीचंक्ड देखते हैं, रीचंक्ड इनएक्टिव हमारे फार्मूला कितने, रीचंक्ड इनएक्टिव हमारे कितने हैं केसेस, ये देखिए ये 77 है। ऐसे ही रिंगिंग कितना है, हम क्या करते हैं पहले यहाँ पर सारे फार्मूला लगा देते हैं, देन उसके बाद हम नेम चेंज कर देंगे खाली, जिससे कि ज़्यादा हमें देखना नहीं पड़ेगा। देखिए रिंगिंग 3 है, स्विच ऑफ नॉट रीचेबल के जितने भी केसेस हैं उसमें एरे में वो कितने हैं, 1, और रॉन्ग हमारे कितने हैं, रॉन्ग हमारे मेथड कितने हैं, 120। तो देखिए इससे हमें क्लियर कट पता लग रहा है कि हमारे केसेस को चेक करता है काउंट IFS। ऐसे ही हम टोटल सभी के लिए काउंट करते हैं, राइट। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इनएक्टिव ऑडिट केसेस चेक करता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर काउंट एनालिसिस में सेम अगेन सेल चेंज कर देंगे, क्योंकि काउंट IFS डेटाबेस के D2 सेल से D1284 सेल तक ये काउंट एनालिसिस करेगा, कौन से सेल को, B18 सेल को। B18 किसके, काउंट एनालिसिस के B18 सेल को चेक करेगा कि इनएक्टिव ऑडिट केसेस डेटाबेस जो शीट है डेटाबेस के E2 सेल से E124 सेल में हमारा क्या क्राइटेरिया मैच कराएगा, ये क्राइटेरिया मैच कराएगा मीटिंग असाइन 14 है, राइट। अब हम क्या करते हैं फॉर्मूला सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमें सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज करना होगा। SV असाइन, अब देखिए इसने टोटल 29 काउंट करके बताया। देखिए अभी मैंने आगे क्या किया, जितने भी हमारे इनएक्टिव ऑडिट, इनएक्टिव पेंडिंग, रिएक्टिव, रिजेक्ट ऑडिट और रिजेक्ट पेंडिंग एंड वॉन, इन सब का मैंने काउंट कर लिया। सबका काउंट करने के बाद सेम फार्मूला हमने मैंने मेंशन किया, सेम जैसे मैंने काउंट IFS में आपको पहले भी अभी बताया। अब देखिए कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टोटल सबका काउंट चेक करके बताता हूँ कि कितना आ रहा है। सम फार्मूला से मैंने क्या करा, यहाँ से पूरे इस रो को काउंट किया D41 तक। अब देखिए मेरा टोटल काउंट कितना आ रहा है, 1284। अब देखिए टोटल मेरे रो काउंट कितने हैं, ये 1284। तो यानी इस रो काउंट मेरे जो 1284 आए हैं ये कम्प्लीटली मैच कर रहे हैं 1284 के साथ। दैट मीन्स कि जो मेरा काउंट IFS फार्मूला है वो एकदम करेक्ट है। तो दोस्तों यदि आपको काउंट IFS फार्मूला सब समझ में आ गया हो, दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।